शोकमग्न दिखता है रंगीन टीवी, शोकमग्न दिखता है रंगीन टीवी, उन चेहरों को भी जिन्हें खतरा था लोकतंत्र मजबूत हो जाने का। निराश स्वर में उद्घोषक कहता है, उनका किसी देश में व्यापार नहीं था। विचारों के व्यापारी, सुधारों के ठेकेदार मशहूर थे, फिर आशा भरे स्वर में, उनके मारे जाने से व्यापार को कोई हानि नहीं हुई। शेयर आज और उठे, बाजार कुछ और महंगा रहा, अलबत्ता कहीं कहीं हड़ताल जरूर हुई। मारे गए व्यक्ति की कोई संतान न थी, भ्रष्टाचार का उन पर एक भी आरोप न था, यह कहते हुए दिखाई गई मृतक की विधवा बीवी। एक आयुध विशेषज्ञ के मत में, हिम्मत में कितनी हौसला अफजाई हुई निर्विकार, तटस्थ और यथार्थवादी विचारों की, कितने वे सजगता से जुड़े हैं शक्ति के संघारकों की, कितनी ममता से वे बात करते हैं उन कारकों की। आयुध विशेषज्ञ कहता है, इस घटना को तो देखो, उत्पादन की गुणवत्ता प्रयोग से सिद्ध होती है। हत्यारे के पास सिर्फ एक कलम निकली, पेन पिस्तौल, जो लिखने के नहीं बोलती बंद करने के काम आती है। यह उस हथियार का सफल हो जाना है जिसकी कंपनी पिछले 2 साल से पड़ी हुई थी दिक्कत में। अंतिम हिस्सा है इसका, अंतिम तो और आगे है, लेकिन भाई अंतिम इसको मान के सुनिए कि जितना बड़ा अमानवीय और महंगा हथियार होगा, उतना बड़ा शिकार न होने से हथियार की इज्जत गिर जाती है। जितना बड़ा अमानवीय और महंगा हथियार होगा, उतना बड़ा शिकार न होने से हथियार की इज्जत गिर जाती है। हथियार उतना बड़ा हो जाएगा जितना बड़ा हादसा और शोक संदेश होगा। शोक भी विश्व स्तर पर प्रायोजित होना चाहिए, तभी उसका अचूक गौरव और दाम बढ़ेगा। प्रशिक्षित हत्यारे और सुनियोजित लक्ष्य ही हथियारों का सही इस्तेमाल है, हथियारों का सही इस्तेमाल है, वरना बनकर रह जाएगा मोहल्ला छाप लफड़ा, एक इतना बड़ा हथियार और इतना छोटा सा हल्ला।